मैंने फेस लिफ्टिंग करवाई ना, बोले चेहरा बिगड़ गया तो डॉक्टर तो हाथ उठा लेते हैं, सॉरी। वो जो मेरे बारे में गलत कमेंट्स कह रहे थे ना सर, किसी की नहीं सुनी, सब ने मुझे बोला तुर्की ने। मैंने कहा नहीं, जिस दिन से आपसे मिली हूँ ना फेस लिफ्टिंग से, जब मैं आई थी तब कैसी दिख रही थी, आप हमेशा मेरी दुआ में रहे। मैं यूनाइटेड किंगडम से हूँ, मैं वहाँ 25 ईयर्स से रह रही हूँ। मैंने गूगल पे सर्च किया कि इंडिया में सबसे अच्छे प्लास्टिक सर्जन कौन है, तो मुझे दो जगह का बताया गया, दिल्ली और बॉम्बे। और बॉम्बे में मैंने तीन डॉक्टर्स के बारे में देखा, मुझे सबसे बेहतरीन डॉक्टर पराग सर की बातें लगी और मुझे लगा कि ये मेरी सही जगह है। मैं डॉक्टर पराग सर के पास फुल फेस लिफ्टिंग सर्जरी करवाई, जिसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। मैंने बायोटिक सर्जरी करवाई थी जिससे मेरा वेट 153 किलो था, जिससे अभी मैं 80 केजी पे हूँ, जिसके वजह से मेरा चेहरा मेरी उम्र से बहुत ज़्यादा अनविलेबल लग रहा था। तो डॉक्टर पराग सर ने मेरी फेस लिफ्टिंग सर्जरी करने से मैं जो हूँ रियल में, वो मुझे बेटर फेस दिया है उन्होंने। सर से मेरी दिसंबर में जनरली बात हुई थी टमी टक सर्जरी के बारे में, और अभी मैं टमी टक सर्जरी सर से करवाई, 15 डेज हो गए हैं। सिर्फ सर ने मेरी टमी टक सर्जरी नहीं की, उसके अंदर बहुत बड़ा मेरा हरनिया था, जिसको लेकर मैं बहुत सालों से परेशान थी। जितना मैं सोच कर आई थी सर के बारे में, उससे कहीं ज़्यादा मुझे बेहतर रिजल्ट मिला। सर की एक जो बात है जो मैं शायद बताना चाह रही हूँ, कि कोई डॉक्टर शायद ऐसा नहीं करते, क्योंकि मैं ऑपरेशन थिएटर में रेडी थी सोने के लिए कि भाई अभी सर्जरी होनी है, पर सर को रियलाइज़ हुआ कि ये टमी टक सर्जरी के अंदर हरनिया इतना बड़ा है, तो उन्होंने ऑन द टाइम अपना नहीं सोचा, मेरा सोचकर मुझे ऑन द टाइम सीटी स्कैन के लिए भेजा गया। और उसके बाद सर ने दो दिन के बाद, और जो रिज़ल्ट मुझे मिला है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे वॉशिंग, बाथिंग, चलने में हर जगह पर बहुत ट्रबल हो रही थी, पर जिस दिन टमी टक सर्जरी के बाद मैं दो दिन के बाद वॉशरूम गई, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि टमी टक सर्जरी के बाद मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और एक न्यू लाइफ की तरफ मैं जा रही हूँ। मैंने आगे भी बहुत सर्जरी, मेरी लाइफ में ऐसी कुछ ट्रेजेडी हो गई थी जिसके वजह से मैंने बॉम्बे में भी आगे काफ़ी सर्जरीज करवाई। वो पेन की आवाज़ तीन कमरे तक जाती थी जब मुझे पेन होता था। उसके बाद मैंने यूके में सर्जरी करवाई, एक और कंट्री में सर्जरी करवाई। डॉक्टर पराग सर के पास जब मेरी सर्जरी के बाद आँख खुली, तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मेरी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है। शायद ही इतनी मैंने जितनी सर्जरीज करवाई उसमें ये पहली सर्जरी है जिसमें मुझे पेन बिल्कुल भी ऐसा लगा नहीं कि मेरी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है। ये सर की गॉड गिफ्ट है उनके, कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई स्पेशल अपने घर से दवा बना रहे, पर जो उनका दिल है वो उनके चेहरे पे है बस। मैंने डिज़ाइन बॉडी में नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट किए। मेरी फेस लिफ्टिंग के बाद मेरा चेहरा में जो एक लुक बेटर चाहिए था, वो मेज़बिन जी ने मुझे आईब्रो में बहुत अच्छी शेप दी, और मैंने माइक्रो ब्लीडिंग भी डिज़ाइन बॉडी में करवाई। और यहाँ का कोरियल फेशियल बहुत अच्छा है। बाकी भी जो ट्रीटमेंट है वो सर वही ट्रीटमेंट करते हैं कि किसी का चेहरा ख़राब ना हो या किसी की स्किन में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने निकिता मैडम से भी बात की, तो कुछ मुझे चाहिए था प्रोडक्ट, तो उन्होंने बोला नहीं, ये आपके लिए नहीं, ये आपके लिए। यानी यहाँ कोई भी तरीके का चीट नहीं हो रहा है, या कोई ऐसा नहीं कर रहे कि जो हम मांग रहे हमको दे रहे, ऐसा बिल्कुल यहाँ नहीं है। जो हमारे लिए सूटेबल है, जो हमारी स्किन के लिए बेटर है, वो लोग हमें रिकमेंड करते हैं। आप यहाँ बिल्कुल बहुत ट्रस्ट से जितना आते हैं, आपको उससे कहीं ज़्यादा बेटर यहाँ का रिज़ल्ट मिलता है। मैंने पहली बार, और सर का एक और भी बात मैं बताना चाह रही हूँ, जैसे मैंने फेस लिफ्टिंग सर्जरी करवाई, तब मैंने इनके सारे स्टाफ को देखा। सर एक वो माली है बाग के, जिससे ये बाग हरा भरा है। मैं अपने अल्लाह से हमेशा ये दुआ करती हूँ कि सर हमेशा खुश रहे, और जिस तरह इन्होंने स्टाफ की ट्रेनिंग दी है, सर हो या ना हो, वो ही चल रहा है अंदर जो सर होने के टाइम है। बहुत ही घर जैसा मुझे लगा, और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। जब मैं हॉस्पिटल के अंदर इन होती हूँ तो मुझे लगता है मैं अपने घर में हूँ, पर सर की रिस्पेक्ट जो सर खुद सबको दे रहे हैं और जो उनका स्टाफ दे रहा है, आज तक
ना मैंने यूके में देखा, ना इंडिया में किसी और हॉस्पिटल में मैंने बिल्कुल भी ये नहीं देखा। सर की मेरे पास बिल्कुल भी अल्फाज नहीं है तारीफ़ करने के लिए, पर जो मेरे दिल में था उनके लिए मैंने सच बताया कि बहुत बेहतरीन डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं।